गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आज इस टॉपिक को लगभग पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो अपन आपको बताते रहेंगे या फिर इसकी सीट डालते रहेंगे अपन, तो आप उससे सॉल्व करते रहना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कमेंट में किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर यदि 2 बार प्रतिशत में कमी हो जाए तो उसके लिए ये सवाल है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत 2 बार 13% की कमी कर दी जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसी में बात कर लेते हैं अपन। इसी सवाल में तीनों प्रकार के सवालों की बात कर लेते हैं। पहला, यदि 2 बार वृद्धि हो जाए, यदि 2 बार वृद्धि हो जाए 13% की, यदि 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि हो जाए दोनों ही बार कमी करी जाए तो ये आसान सा है, आप देख लो। इसके अंदर जब दोनों बार वृद्धि की जाए तो मैंने आपको बताया था कि 13 की स्क्वायर कर लेना 169 और 13 का दुगना यहां पे ऐसे जोड़ देना कि इन दो अंकों को आप छोड़ दो, यहां पे पॉइंट लगा के इनको छोड़ देना। क्या आएगा आंसर? 27.69% की वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों बार वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या होगी? वृद्धि। यदि 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि हो रही है 13% की, तो इस सवाल में सीधा सा आंसर है हमेशा कमी होगी और कितनी कमी होगी इसका स्क्वायर कर लो और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.69% ही कमी। अब दोनों बार कमी हो जाए तो आपको क्या करना है? जब दोनों बार कमी हो जाए तो 13 के दुगने में से, 13 का दुगना कितना हो गया 26, में से माइनस कर दो ये वाला 1.69, यानी उसके स्क्वायर में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगे उस संख्या को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24.31% की कमी। तो दोनों बार वृद्धि हो तो वृद्धि होगी, 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि हो वो भी समान तो हमेशा कमी होगी, और दोनों बार कमी हो तो सीधी बात है कमी होगी, और उसमें से कैसे निकालना है ध्यान रखना, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, यदि प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 6% की वृद्धि लगातार हो रही है 2 बार, तो अपने को क्या करना है? 6 की स्क्वायर 36 और 6 का दुगना 12, तो 12.36% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 12.36% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब आपको जनसंख्या दे रखी है यहाँ पे, तो 2 लाख का 12.36%, 112 ही कर लो क्योंकि टोटल आपको जनसंख्या पूछी गई है, तो 112.36 हो जाएगा बटा 100। यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? जब पॉइंट हटाओगे 2 जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जब इसको इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 224,720। गुणा कर लेना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आसान सा सवाल है। ऐसा ही एक सवाल और भी, किसी शहर की जनसंख्या में आपकी स्क्रीन पे 8% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 58,320 हो जाती है, 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? तो देखो दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। जैसे अपन ने पहला वाला सवाल किया था, आपको अगर प्रारंभिक जनसंख्या दी जाए और 2 वर्ष बाद की पूछी जाए यानी अंतिम पूछी जाए, तो प्रारंभिक गुणा 100 ± वृद्धि बटा 100 की घात, ये चक्रवर्ती ब्याज वाला सा सवाल है। इसमें बात करेंगे अपन चक्रवर्ती ब्याज में विस्तार से बात करेंगे, अभी इतना ही समझ लो आप। जो पिछला सवाल किया था उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 लाख गुणा 106 बटा 100 गुणा 106 बटा माइनस 2 लाख, ये अगर वृद्धि निकालनी होती तो, और आपको पूरी जनसंख्या पूछिए तो इसको छोड़ देना, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा 100 + दर बटा 100 की घात समय, तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा। अब इसके अंदर उल्टा पूछा आपको तो वैसे भी कर सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा, ये संख्या क्या आ जाएगी? नीचे में नीचे। अब इसमें क्या आ रही है? 8% की वृद्धि आ रही है, 58,320 आपको जनसंख्या दे रखी है, गुणा 100 बटा 92 गुणा 100 बटा 92, ऐसे कर सकते हो आप,
आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से करके, आपको पता है 8% की वृद्धि हुई है दो बार, तो 8% की वृद्धि, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 8 का दुगुना क्या हो गया यानी 16.64% की उसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो वो कितना हो गया टोटल 116.64, 100 पहले था 16.64 की क्या हो गई वृद्धि होगी, तो 116.64 बराबर कितना दे रखा है आपको 58,320। आपको क्या पूछा है पहले की, पहले कितनी मान के चले थे 100/116.64, पॉइंट इट आओगे 2 जीरो लग जाएंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50,000, ये आपका आंसर हो गया। अगले इंपोर्टेंट सवाल की बात करते हैं। देखो जनसंख्या वाले सवालों पे विस्तार से चर्चा अपन चक्रवर्ती ब्याज का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे, बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका और ही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर बताएंगे आपको, ठीक है, इससे भी ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। अगला सवाल है, यदि पहली संख्या को 125% बढ़ाया जाए तो वह दूसरी संख्या से 250 कम हो जाती है। देखो दो संख्याएं आपके पास, पहली और दूसरी, यदि इसको 125% बढ़ा दिया जाए फिर ये इससे कितनी कम रह जाती है 250 कम रह जाती है। 125% बढ़ाने पर भी ये कितनी लेस है इससे 250 का अंतर रह जाएगा दोनों के बीच। यदि पहली संख्या को 180 बढ़ा दिया जाए, अब दूसरी कंडीशन दे रहे हैं आपको कि पहली संख्या को यदि 180 बढ़ा दिया जाए तो वह दूसरी संख्या से 220 कम रह जाती है। यदि इसको 180 बढ़ाएंगे फिर भी ये इससे कितनी कम रह जाएगी 220। तो एक सीधी सी बात यहां से क्लियर हो गई कि दोनों संख्याओं का जो गैप है वो कितना है 400 का। कैसे, कि भी आपने 180 बढ़ाया फिर भी 220 कम है, मतलब इन दोनों का गैप कितना है 400। अब देखो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अपन मिलान करते हैं, 125% बढ़ाने पर 250 कम रहेगी और दोनों का गैप कितना है 400। तो सीधी सी बात है कि जब 125% बढ़ाया, जब 125% बढ़ाया तो उसके अंदर जो 125% बढ़ाने पर 400 और 250 का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा 125% के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा 150। कैसे हुआ एक बार और देख लो, जब 125% बढ़ाया तो 250 कम रहेगी, मतलब 125% बढ़ाने पर भी 250 कम है और दोनों का गैप कितना है 400 का गैप है। तो सीधी सी बात है जो 125% बढ़ाने पर गैप कितना कम हुआ 150 का, तो 125% कितने के बराबर है 150 के। आपको पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या क्या आ जाएगी बटा 125, 5, 6 ये कट जाएगा 20 बार, तो ये टोटल कितनी आ गई पहली संख्या आपके पास कितनी आ गई 120। और आपको पता है दोनों का गैप कितना है 400 का, दोनों का गैप कितना है 400 का, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आ गई दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 400 और 120 कितनी हो जाएगी 520। आपको पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 640। 125% बराबर 150 हमने पता कर लिया यहां से दोनों कंडीशन से, सुगुणा 100 किया पहली संख्या आ गई 120। अब यहां से देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है 400 कम है, तो भी पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 520, तभी दोनों का अंतर कितना हुआ 400, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 640। अगले सवाल की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, कुल वोट 100% मान के चलते हैं, 10 ने मतदान ही नहीं किया यानी वोट कितने पड़े थे वहां पे 90% वोट पड़े थे, जबकि राम ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 47% मत प्राप्त किया। राम ने कुल पंजीकृत, कुल पंजीकृत तो 100 थे, इसका 47% इसने प्राप्त कर लिया, यानी इसने कितने प्राप्त कर लिए 47% वोट प्राप्त कर लिए। अब दूसरा पर्सन है 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 60 मत मतलब निरस्ती कर दिए गए, 60 वोट तो जिनमें से 90% में से जो 60 वोट थे उनको क्या कर दिया गया निरस्त कर दिया गया, और राम 300 वोटों से जीत गया, इसको 47 पड़े टोटल 90 पड़े, तो भी इसको कितने पड़ेंगे सीधी सी बात है 43 पड़ेंगे, लेकिन 43 नहीं पड़े इसको, लेकिन जो 60 निरस्त हुए हैं, जो 60 निरस्त हुए हैं वो इसके 43 में से घटेंगे, तो 43% वोट पड़े इसको मान लो, और जो 60 निरस्त हो गए वो इसके में से घटेंगे, क्योंकि इसने तो 47 पूरे प्राप्त किए, इसने तो 47 पूरे प्राप्त किए। अब सीधी सी बात है इसमें से 60 अपने को
लेस करने पड़ेंगे। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4% का, और कितने वोटों से जीत रहा है ये, कितने वोटों से जीत रहा है, 300 वोटों से जीत रहा है ये, 300 वोटों से जीत रहा है। लेकिन ये 60 वोट जो निरस्त हुए हैं वो इसमें से क्या होंगे, कम हो जाएंगे भाई। यहां पे अगर मान लो ये निरस्त हुए वोट इसको पढ़ते तो इसको 43% वोट मिलते, निरस्त हुए वोट इसको मिलते तो इसको टोटल 43 मिलते। लेकिन हमने इससे क्या करेंगे, इसमें से 60 को लेस करेंगे, यानी इनका जो अंतर था वो कितना था 4%, कब, जब 300 से जीत गया और 300 में से 60 क्या हो गए, निरस्त हो गए। यानी ये अगर इसको मिल जाते तो ये 240 वोटों से ही जीतता, सीधी सी बात है। तो 4% बराबर हो गए आपके पास 240, तो कुल वोट, कुल पंजीकृत वोट पूछे हैं तो कुल पंजीकृत वोट कितने हैं 100%, तो बटा ये आ जाएंगे आपके पास, ये आंसर हो गया आपका, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, थोड़े और इंपोर्टेंट सवाल है, मिश्रण का सवाल है। 60 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, तो 60 लीटर मिश्रण है उसमें से 30% क्या है, नमक है। 30% कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, यानी 18 लीटर क्या है, नमक। 60 लीटर में से 18 लीटर क्या है, नमक है। 20 लीटर पानी निष्कासित कर दिया, टोटल 60 था इसमें से 20 लीटर अपन ने निकाल दिया, अब मिश्रण बचा कितना 40, और नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी बची गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार, 2 बार ये 9 बार, कितना परसेंट, तो नमक की मात्रा 30% थी, जब 20 लीटर पानी निकाल लिया तो अब नमक की मात्रा बढ़कर कितनी होगी 45% हो गई। आसान सा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले नमक की मात्रा निकाल ली अपने 18 लीटर, कुल मिश्रण कितना बचा, कुल में से ही इसकी प्रतिशत मात्रा निकलेगी, तो कुल मिश्रण 20 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, तो नमक तो उड़ेगा नहीं भी, नमक थोड़ी उड़ेगा यहां से, पानी उड़ा है, तो पानी उड़ने से नमक की मात्रा तो वही है 18 लीटर जो पहले थी, लेकिन टोटल मिश्रण जो कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, 18 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 45%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 300 लीटर एल्कोहल के मिश्रण में 20% एल्कोहल है, अब इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए। अगर 300 लीटर में से 20% एल्कोहल, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 60 लीटर, और ये कितना रह गया, ये एल्कोहल और ये पानी। अब इसने क्या कहा, इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 40%, यानी एल्कोहल कितना हो जाना चाहिए 40%, तो भी ये 40% हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 60%। एल्कोहल हमने मिलाया तो एल्कोहल की मात्रा कांस्टेंट नहीं रहती, एल्कोहल की मात्रा चेंज होगी, तो जो भी चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो, लेना ही नहीं है अपने, जो भी चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो, एल्कोहल मिलाया एल्कोहल को छोड़ दो। अब ये कंडीशन तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, 240 लीटर पानी था, अब भी 240 लीटर ही, क्योंकि पानी को अपन ने छेड़ा ही नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा कितनी हो गई, अब पहले 80 थी अब कितनी हो गई 60%, तो 60% बराबर 240 है, तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी बता 60, यानी कितने लीटर आ गया 400 लीटर, यानी अब मिश्रण कितना हो गया 400 लीटर हो गया, मिश्रण कितना हो गया 400 लीटर, और पहले कितना था 300 लीटर, यानी इसमें क्या मिलाया अपन ने 100 लीटर एल्कोहल मिलाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर 100 लीटर एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, 100 लीटर नमक के घोल में, 100 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यानी 100 में से 30 लीटर तो नमक है और बाकी 70 क्या है इसमें पानी हो गया। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, अब देखो पानी मिला रहे हैं अपन इसके अंदर, क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, तो नमक की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए 25%, तो पानी मिला रहे हैं तो पानी से अपने वो मतलब ही नहीं है, जो चीज मिला रहे हैं उसको तो छोड़ ही दो, तो 25% बराबर क्या है 30, 25% बराबर क्या है 30, तो 100 बराबर कितना हो गया बेटा 25, ये चार बार कट गया, 30 को 4 से गुणा कितना आ जाएगा 120 लीटर, तो जो 100 लीटर था वो कितना हो गया 120 लीटर, यानी यहाँ पे क्या मिलाया अपन ने 20 लीटर पानी यहाँ पे मिलाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 लीटर। अगला सवाल है, एक घोल में 18% नमक है, यदि इसमें से 25 लीटर जल वाष्पित करा दिया जाए तो नमक 24% हो जाता है, ज्ञात कीजिए प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी। अब देखो इस सवाल में, ये सवाल आसान है लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई भी
मात्रात्मक वैल्यू आपको नहीं दी है, जैसे पिछले सवाल में था 300 लीटर में इतना है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बोला है 18% नमक है। अब इसके अंदर 25 लीटर अपन ने क्या कर दिया, पानी वाष्पित कर दिया, 25 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, तो नमक कितना हो गया 24%। तो जो पहले नमक था अब नमक था, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्यों निकालते हैं इसकी बात करते थे, ये आ गया 3/4। पहले नमक 18% था, 25 लीटर पानी निकालते तो होने पर नमक की मात्रा कितनी होगी 24% होगी, क्योंकि पानी निकला है तो नमक की मात्रा सीधी सी बात है बढ़ेगी, एक चीज की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ये हो गया 3/4। अब देखो कुल मात्रा में जो बढ़ी हुई मात्रा और घटी हुई मात्रा, इसका जो रेशियो होता है हमेशा उल्टा होता है, इसका रेशियो क्या होता है हमेशा उल्टा होता है, यानी कि पहले नमक 3 था 4 हो गया, तो पहले कितना था 4 था, किसके रेफरेंस में 3 में, अनुपात को जस्ट उल्टा कर दो कि भी पहले 3 था 4 हो गया, 4 था, कुल मिश्रण की बात कर रहे हैं यहां पर, कुल मिश्रण की बात कर रहे हैं अपन, 3/4 में था लेकिन पहले क्या था 4/3 में, जब पानी उड़ा तो इनका रेशियो क्या हो गया 3/4 हो गया। अब बात करते हैं कि 25 लीटर पानी इसमें से उड़ाया गया है, तो भाई 4 से 3 हो गया, 4 से कितना हो गया 3, पानी उड़ाने पर क्या हो गया 4 से 3 हो जाता है, तो सीधी सी बात है एक पॉइंट की वैल्यू कितनी थी वहां पे 25 लीटर, 4 से 3 हुआ कब, जब 25 लीटर उड़ा दिया, एक पॉइंट की वैल्यू क्या है आपके पास 25 लीटर है। आपको पूछा गया कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी थी 4, अभी तो 3 और 4 लेकिन प्रारंभ में कितनी थी 4 और 3 के हिसाब से थी, तो एक पॉइंट की वैल्यू 25 है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 × 4 यानी पहले मिश्रण कितना था 100 लीटर। आसान सा सवाल है। अगला सवाल है, एक घोल में 20% एल्कोहल, एक घोल में 20% एल्कोहल है, यदि इसमें से 18 लीटर पानी वाष्पित करवा दिया जाए तो एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाती है, सेम ही है, पहले 20 थी अब 30% हो गई, यानी इनका रेशियो क्या आ गया 2:3, तो पहले कितना रहा होगा, कुल मिश्रण की मात्रा क्या रही 3 और 2। अब इसने क्या कहा है कि इसमें से 18 लीटर पानी वाष्पित करवाया गया, 18 लीटर पानी वाष्पित करवाया गया, तो देखो कितना हो गया 3 से 2, तो यानी एक पॉइंट की वैल्यू अपन बोल सकते हैं कितनी थी 18 लीटर, तो पहले मिश्रण की प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा पूछी गई है कितनी थी 18 × 3 यानी कि 54 लीटर। अब आपको अगर ये भी पूछ ले कि अब मिश्रण की वैल्यू कितनी है, तो आप इस 18 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, क्यों घट गया 3 से 2 गया, आपका दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, ये भी वैसे सवाल, यदि ताजे फल में 66% पानी है और सूखे फल में 15% पानी है, 55 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये सवाल है। 66% पानी है तो फल कितना बचा पीछे 34%। इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, सेम पीछे वाला जो सवाल किया एकदम वैसे ही है, 66% पानी है तो जो फल है वो कितना है 34%, दूसरे में सूखे फल के अंदर 15% पानी है तो फल कितना है 85%, वही रेशियो निकाल लेते हैं अपन कितना आ जाएगा 2 और 5, जो अब 2 और 5 है तो पहले कितना रहा होगा 5 और 2, जस्ट रिवर्स। अब आपको पूछा गया है कि 55 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो ये देखो जस्ट सूखे फल का आपका रेशियो ऊपर आ गया, तो यानी कि ये किसके बराबर है 55 kg के बराबर, ठीक है, तो भी सूखे फल कितने बना सकते हो आप, 5 की वैल्यू 55 है तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी यहां से 11, अपने को 2 की निकालनी है तो कितने फल बना सकते हो आप 2 × 11 यानी 22 kg फल आप बना सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण तथा 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, हमेशा या तो जो पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास से है, उनका परसेंट रखना है। जैसे सवाल के अंदर दिया गया x + y − z, जो दो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं और जो कंबाइंड दिया हुआ है उन दोनों को जोड़कर जो कंबाइंड उसमें से लेस कर देंगे, वैसे वेन आरेख से भी आप समझ सकते हो लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सा सवाल है आपको आंसर निकालना, तो क्या करेंगे
60% इसमें हुए थे, 70 इसमें, उसे दोनों में कितने हुए 40%, सभी पास है। पास वाली वैल्यू ही लेनी है आपको एक साथ, ठीक है। ऐसा बोलते कोई फेल है उसमें से अपन पास की वैल्यू पहले निकालेंगे तब ये घटना है आपको। पहले ये नॉर्मल सा सवाल है, इसकी बात कर ले तो ये 130 माइनस 40 यानी कितने पास हुए, 90% पास हुए। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है कि फेल कितने परसेंट हुए, तो फेल कितने परसेंट, 90 पास हो गए तो फेल कितने हुए, 10% हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसी सवाल में, आगे वाला सवाल ऐसा ही है इसी कॉन्सेप्ट पे। किसी परीक्षा में 70% छात्र, तो 70 लिख लेता हूं, हिंदी में 80% छात्र पास हुए, यहां पे 80 लिख लेते हैं, दोनों में, दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। अब यहां पे माइनस 10 नहीं करेंगे अपन, माइनस 10 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन पास को लेके चल रहे हैं, ठीक है। 10% फेल हुए तो पास कितने हुए, 90%, अपन को ये संख्या चाहिए यहां पे, सारे पास की ही संख्या चाहिए, ठीक है। अगर किसी का फेल दे रखा है तो अपन उसमें से लेस कर देंगे, यहां पे अगर फेल का दे देता तो अपन पास की वैल्यू भी निकालते, तो 70 पास 80 पास दोनों में 90 पास। अब इसने क्या कहा है, यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो पास का परसेंट निकालो पहले, ये हो गए 150, 150 में से 90 गए, कितने बचे 60%। इसने कहा 144 पास होते हैं, कुल 144 पास होते हैं, तो पास का परसेंट 60 है, कुल 60 के बराबर कितना दे रखा है इसने 144, और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो गुणा 100/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 24 बार घट जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 240 आपका आंसर हो जाएगा। तीन चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे या तो पास की वैल्यू रखनी है या सिर्फ फेल की वैल्यू रखनी है, पास की रख रहे हैं तो पास की संख्या आ जाएगी, तो यहाँ से फेल कितने हुए 40 निकाल सकते हो आप। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, ये कक्षा है जिसके अंदर 60% क्या है लड़कियां हैं, तो सीधी सी बात है 40% क्या हो गए लड़के हो गए। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक है, लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक है, यानी जो 20% का जो रेशियो है किसके बराबर है, वो 30 के बराबर है। हमें दिख रहा है कि 20% का गैप है, लेकिन ये बोल रहा है 30 का गैप है टोटल, तो 20% बराबर कितना हो गया 30, यानी टोटल कितना हो गया निकाल 150, तो 150 का 60% यानी कि 90 तो यहां पे क्या है लड़कियां, 150 का टोटल 150 हो गया ना, 150 का 60% 90 तो लड़कियां होगी और बाकी बचे 60 क्या हो गए यहां पे लड़कियां। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं, यदि 30 लड़कों सहित यानी 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं, यानी 30 लड़के तो पास हुए ही, 30 लड़के तो इंक्लूड है उसके अंदर, टोटल कितने हुए 68% पास हुए, तो 150 का 68% कितना आ जाएगा, 150 का 68%, तो परसेंट से 2 जीरो कटते हैं, लेकिन अपने पास 1 जीरो है तो 1 काट लेते हैं, 15 को 68 से गुणा करेंगे 0, 15 को 6 सॉरी 15 को 8 से करेंगे 120 का 0 हासिल किया 12, 15 को 6 से किया 90 यानी 101 जीरो काट, ठीक है, यानी 102 पास हुए हैं। इसमें से कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं, इसमें से कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं, तो 30 को लेस करेंगे यानी कि लड़कियों की संख्या, पास होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 70, टोटल 102 पास हुए जिसमें से 30 लड़के थे, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 72। अब इसने पूछा है कि फेल होने वाली या अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो भी अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी है, अपने दिख रहे हैं टोटल 90 लड़कियां थी, अनुत्तीर्ण कितनी है 18, कितने में से 90 में से 100 कितना 20%, तो कितनी लड़कियां फेल हुई है 20% लड़कियां फेल हुई है। पास का पूछ लेता तो कितनी लड़कियां पास हुई है, कितनी लड़कियां हुई है 80% लड़कियां पास हुई है। अगर लड़कों का भी परसेंट पूछ लेता, टोटल 30 लड़के पास हुए तो उसमें आपको ज्यादा कुछ इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, 30 लड़के पास हुए हैं टोटल 60 थे, तो यहां से निकाल सकते हो वैल्यू कितनी 30/60 आंसर आ जाता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चावल की कीमत में 35% की कमी हो जाने पर, चावल की कीमत में 35% की कमी होगी, तो 35% को अपन रेशियो में चेंज करें कितना हो जाएगा 5/7 और 20, कमी होगी तो 20 में से 7 लेस कर दो, यानी पहले रेशियो क्या था
मूल्यों का रेशियो क्या है, हो गया हमारे पास 20:13। इसने आगे पूछा है कि उतनी ही राशि में, जितनी राशि पहले खर्च होती थी, इतनी राशि में चावल की कितनी अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। वही चीज, अनुपात जो था, जो मूल्य का अनुपात था, घटने पर क्या हो जाएगा, खपत के अनुपात के या जो मात्रा थी उसके अनुपात के क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 13:20 हो जाएगा। ये बोल रहा है इस मूल्य में जो ये वस्तु खरीदने में, अपने कितने वस्तु खरीद जाते, सॉरी ये वस्तुओं का मात्राओं का अनुपात आ गया आपके पास। इसने बोला है पहले 104 किलोग्राम, तो पहले 13 यूनिट खरीदते थे जो कि किसके बराबर था, 104 के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 8 के। अब इसने कहा कितने अधिक खरीद सकते हो, पहले 13 खरीद रहा था, आप कितने खरीद रहा है, 20, लेकिन अधिक कितने खरीद रहा है, इसने ये पूछा अधिक कितने खरीद रहा है, तो ये 7 अधिक खरीद रहा है। कितने अधिक खरीद रहा है, 7 यूनिट अधिक खरीद रहा है, तो एक यूनिट का मतलब क्या है आपके पास 8, तो 7 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 56 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, कैसे, तो एक यूनिट का मतलब कितना आ गया 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा करते हैं, यानी अब कितने चावल खरीद सकता है 160 किलो, पहले 104 खरीद सकता था, अब 160 खरीद सकता है, लेस कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा आंसर आपका 156 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्लास के आज 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, परसेंटेज के अंदर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए लगभग। अब अपन परसेंटेज की क्लास को समाप्त करके लाभ हानि की क्लास स्टार्ट करेंगे कल से। बाकी परसेंटेज के सेट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपको क्लास के एक एक क्लास पढ़ाएंगे, लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।